हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरदान पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल सर्वर हिंदी सीरीज में। वेल, आज का जो हम लोगों का सेशन है वो इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग यानी सर्वर हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है और साथ साथ इंटरव्यू में भी पूछा जाने वाला मोस्ट ऑफ पॉपुलर क्वेश्चन है, राइट? वैसे तो वीडियो का सेशन आज क्या होने वाला है आपको टाइटल देखकर पता लग गया होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं आईएलओ कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो चलते हैं, बिना सेशन को लेंथी किए तो चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हैंड्सोन लैब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सर्वर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा। वेल, आई होप कि आप सभी ने हार्डवेयर सर्वर्स पर काम किया होगा और बहुत सारे आईटी गाइज ने तो आईएलओ भी कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, करेक्ट? लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आज का ये जो सेशन है ट्रबल शूटिंग यानी हार्डवेयर सर्वर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड तो खास है ही, साथ साथ इंटरव्यू के प्रोस्पेरस भी एक आंसर होने वाला है, राइट? वेल, हम जब कभी सर्वर्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों के पास कुछ वेंडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर हैं जो हम लोगों के लिए सर्वर्स में डील करते हैं, जैसे कि एचपी, डेल, आईबीएम, इंटेल, सन, सिस्को, ये सभी कंपनीज और भी कई सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो सर्वर्स में डील करते हैं। लेकिन इन सभी कंपनीज के अंदर या जो भी कंपनी सर्वर्स में डील करती है उन सभी के बारे में मैं बता दूं कि वो अपने हार्डवेयर यानी सर्वर के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट लगाती है जो उसे डिफरेंट बनाती है ट्रबल शूटिंग के प्रोस्पेरस। अब आप बात करेंगे कि अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सर्वर का आरडीपी ले लेते हैं और एक्सेस करके काम कर लेते हैं, करेक्ट है? या फिर रिमोट कंसोल, जरूरी नहीं कि विंडोज सर्वर में काम कर रहे तो आरडीपी ही लिया जाए, आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो रिमोट एक्सेस ले लेते और काम कर लेते। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ओएस करप्ट हो जाए और कोई और चैलेंज आने लगे तो आप सर्वर को रिमोट कैसे लेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। मैं फॉर एन एग्जाम्पल अपने प्रीवियस कंपनी के बारे में बात करूं जहां मैं काम कर रहा था, तो वहां मेरी कंपनी के सारे सर्वर यूके में थे जबकि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं इंडिया में। तो अब अगर मेरे किसी सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हार्डवेयर फेलियर हो गया या कोई और अनदर इश्यू हो गया, तो क्या मैं यहां से यूके जाने वाला हूं सर्वर को ट्रबल शूट करने के लिए? नहीं। ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, फॉर एन एग्जांपल मैं एचपी के सर्वर के बारे में बात करता हूं, तो एचपी जब भी सर्वर बनाती है तो उसके अंदर एक छोटा सा इक्विपमेंट लगा देती है जिसे हम बोलते हैं आईएलओ। आईएलओ की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड लाइट आउट, राइट? So, ये जो इंटीग्रेटेड लाइट आउट है ये क्या काम करती है, इसके साथ साथ जैसे ये इक्विपमेंट या ये डिवाइस है छोटा सा कंट्रोलर आपके सर्वर हार्डवेयर में कनेक्ट हो जाता है तो बैकएंड पर सर्वर पैनल में आपको एक अलग से नेटवर्क अडेप्टर कार्ड भी मिल जाता है जिसे आप डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों का जो सर्वर ओएस जिस पर काम कर रहे होते हैं वो नेटवर्क डाउन हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं अपने आईएलओ को एक्सेस कर लेते हैं यानी कि दूसरे नेटवर्क को एक्सेस करते हैं जिस पर हमारा आईएलओ कनेक्टेड है और उस आईएलओ की हेल्प से हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारा सर्वर प्रॉपरली अभी रनिंग स्टेज में है या नहीं या कोई और चैलेंज आ रहा है उसमें, राइट? एचपी ही ऐसी सर्विस नहीं देता। अगर आप आईबीएम के सर्वर के साथ काम कर रहे हैं तो वहां आपको मिल जाएगा आईएमएम, अगर आप इंटेल सर्वर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा आरएमएम, अगर आप काम कर रहे हैं सिस्को के साथ तो आपको मिल जाएगा सीआईएमसी टूल, साथ साथ अगर आप सन के साथ काम कर रहे हैं यानी कि ओरेकल कंपनी के सर्वर्स के साथ आप काम कर रहे हैं तो वहां आपको मिल जाएगा आईलॉन, राइट? हर कंपनी अपने सर्वर के साथ इस तरीके का एक छोटा कंट्रोलर आपको प्रोवाइड कराती है। तो आज के इस सेशन में मैं आईएलओ कॉन्फ़िगर करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास है एचपी का सर्वर। सो कैसे हम लोग आईएलओ सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, एक बार चलते हैं सेशन हैंडसोन लैब की तरफ और सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हैंडसोन लैब सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी जिस सर्वर पर मैं वर्क करने वाला हूँ, आईएलओ कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ, ये एचपी का DL380 सर्वर है। इस सर्वर को मैं कर लेता हूँ पावर ऑन और साथ साथ आपको दिखा देता हूं इस सर्वर का बैक पैनल। यहां इस बैक पैनल पर आप देख सकते हैं एक कंट्रोलर अलग से लगा हुआ है, ये मेरा आईएलओ कंट्रोलर है जिसे मैं यहां करने वाला हूं कॉन्फ़िगर। सो सर्वर पावर ऑन कर लेता हूं। पावर ऑन करने के बाद चलते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको आज का हैंडसोन लैब सेशन दिखा सकूं।
सो ये है मेरी मॉनिटर स्क्रीन जहां पर मेरा HP ट्रूलेंट सर्वर इनिशियलाइज कर रहा है अपने हार्डवेयर इक्विपमेंट्स को। सो थोड़ा सा टाइम यहां लगेगा। जैसे ही ये सर्वर इनिशियलाइज होगा, यहां आप देख सकते हैं नीचे कुछ फंक्शन कीज के ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने यहां प्रेस करना है F9 सिस्टम यूटिलिटीज के लिए। सो जैसे ही आप यहां F9 की प्रेस करेंगे, आप एंटर हो जाएंगे सिस्टम यूटिलिटी कंसोल के अंदर। जैसे ही आपके सामने है सिस्टम यूटिलिटी कंसोल ओपन होगी, यहां आपको कीबोर्ड में डाउन एरो बटन से आना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर और प्रेस करना है एंटर। अगेन डाउन एरो से आप आएंगे ILO 5 कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी पर। ये अभी मैं जो यहाँ ILO का वर्जन यूज कर रहा हूँ ये 5th है। हो सकता है आपके एनवायरमेंट में 3, 4 या 5 जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो। मेरे पास यहाँ ILO 5 है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ILO 5 कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी पे, यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन डिस्प्ले होगा विच इज नेटवर्क ऑप्शंस। आप एंटर प्रेस कर दें। सो जैसे ही आप नेटवर्क ऑप्शंस पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ आपको कुछ चीजें हैं जो कॉन्फ़िगर करनी है। सबसे पहला आ रहा है नेटवर्क इंटरफेस अडेप्टर, इसे ऑन कर लीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन है ट्रांस रिसीवर स्पीड ऑटो सेलेक्ट, इसे भी मैं ऑन कर लेता हूँ। और थर्ड ऑप्शन है DHCP इनेबल्ड, इसे मैं कर देता हूँ ऑफ, क्योंकि यहाँ पर मैं मैनुअल IP एड्रेस असाइन करने वाला हूँ। DHCP का IP एड्रेस मैं नहीं चाहता। सो मैं IP एड्रेस हिट कर देता हूँ विच इज 10.10.10.100 एंड सबनेट मास्क मेरा डिफॉल्ट रहेगा 255.255.255.0 एंड गेटवे है मेरा 10.10.10.1। इसके बाद मैं यहाँ F10 प्रेस कर देता हूँ सो दैट ये सेटिंग जो मैंने यहाँ की है इसे सेव कर सकूँ। सो मैं यहाँ पर यस करके ओके कर देता हूँ। अब मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और अपने लैपटॉप का IP एड्रेस भी मैं उसी नेटवर्क से रिलेटेड कन्फिगर कर लेता हूँ और नेटवर्क में कनेक्ट कर लेता हूँ जिससे मेरा HP का सर्वर कनेक्टेड है। सो मैं अपने इथरनेट पोर्ट पर यहाँ IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ। यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस और मेरा IP एड्रेस है 10.10.10.200। सबनेट मास्क में यूज करूंगा 255.255.255.0 एंड देन गेटवे 10.10.10.1 देन क्लोज एंड क्लोज द कंसोल। अब मैं अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं और यहां पर अपने ILO कंट्रोलर पर HP के जो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया था वो एड्रेस मैं असाइन करा देता हूँ विच इज 10.10.10.100 एंड प्रेस करता हूँ एंटर। सो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ सर्टिफिकेट एरर आएगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एडवांस बटन पर एंड देन कंटिन्यू। सो जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके HP सर्वर के ILO की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ आपने यूजर नेम और पासवर्ड हिट करना है जो आपके ILO पर है डिफॉल्ट। सो मैं डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन कर लेता हूँ। सो मेरा डिफॉल्ट यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप चाहें तो अपना यूजर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं वहां पर। सो मैं डिफॉल्ट यूजर अकाउंट से ही काम कर रहा हूं। यहां आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां क्लिक करता हूं सेशन लिस्ट पर, जिसके थ्रू आपको ये पता लग जाएगा कि कितने कंप्यूटर्स के थ्रू अभी ILO एक्सेस है, ओपन है। सो यहां पर ये मेरे कंप्यूटर की डिटेल दिखा रहा है कि यानी कि आपने 10.10.10.200 जो कि मेरे लैपटॉप का IP एड्रेस है इसके थ्रू मैंने इसे एक्सेस किया है वेब बेस्ड। रेस्ट अगर आपको सर्वर की कंसोल को एक्सेस करना है और देखना है कि सर्वर अभी किस स्टेज में है, सो आप यहां क्लिक कर सकते हैं रिमोट कंसोल एंड मीडिया पर और इसके थ्रू आपके सामने स्क्रीन सर्वर की ओपन हो जाएगी और आप अपने सर्वर को यहां से मैनेज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें और बेल आइकन जैसे ही प्रेस करें वहां से ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। कई बार हम उसे नन पर सेलेक्ट कर देते हैं बेल आइकन का नोटिफिकेशन, जिससे होता ही है कि आप हम लोगों का नोटिफिकेशन स्किप कर जाएंगे आपने भले ही चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो तो भी, राइट। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको दिख रहा होगा यहां पर, सो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। और अगर आपका कोई पर्सनली सजेशन है या फिर आपकी कोई क्वेरी है सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेक्शन में कहीं भी जहां आप चाहें वहां मुझे बता सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स ट्रिक्स और आइडिया के साथ। तब तक एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, बी सेफ फ्रॉम कोरोना।